नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है वो है ऑफिस। आप अपने ऑफिस में कोई भी काम करते हैं, यदि आपके ऑफिस की सीटिंग और सेटिंग इस तरीके से है तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ परेशानी बनी रहेगी। जो आप काम करते हैं पूरे साल के अंत में जब आप अपना बैलेंस देखते हैं तो आप प्रॉफिट में ना जाके नुकसान में जाते हैं। जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की भी बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपके यहाँ इस तरह की सीटिंग और सेटिंग है तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी सीटिंग और सेटिंग को जरूर चेंज करें ताकि आपके यहाँ प्रॉफिट आए। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी सीटिंग और सेटिंग कैसे हैं। आपका अपना ऑफिस नॉर्थ फेसिंग है। आपके यहाँ आपका जो अपना मेन डोर है वो नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ वॉल पर है और आपके यहाँ जो अंदर आने के लिए जो स्टेप बने हुए हैं यदि उनके ऊपर रेड कलर है तो आपके यहाँ नुकसान जरूर होगा। सबसे पहले तो आपका मेन डोर और आपके अपने स्टेप यहाँ पर गलत हो जाते हैं। अब गेट से अंदर आने के बाद जो वेटिंग एरिया है वो नॉर्थ वॉल पर भी है और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी है और ईस्ट की दीवार के साथ भी वेटिंग एरिया है। इन तीनों सेटिंग की गद्दी पर रेड कलर आता है जो कि वास्तु के अनुसार बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर जो स्टाफ की सीटिंग है ये बिल्कुल ओके है और इसके बैक साइड में जो अलमीरा बनी हुई है, जो कैबिनेट बनी हुई है, वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब बात करते हैं ऑनर की सीटिंग की। ऑनर की सीटिंग बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर जो अलमारी रखी हुई है, जो कैबिनेट रखी हुई है, इसमें रखा हुआ पैसा कभी भी प्लस नहीं होता, वो गलत जगह खर्च होता ही रहता है। मंदिर ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट के भाग में बना हुआ है, यहाँ पर मंदिर बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखना है मंदिर के जो नीचे का एरिया यहाँ पर कोई सामान नहीं होना चाहिए। इस ऑफिस के अंदर जो मंदिर के साथ कैबिनेट लगी हुई है ये बिल्कुल गलत है। अब इस ऑफिस को एज पर वास्तु कैसे सही करें, यदि आपको यहाँ इस तरह की दिक्कत आ रही है तो मैं आपको एज पर वास्तु आपके अपने ऑफिस में सीटिंग और सेटिंग कैसे होनी चाहिए इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आपका अपना ऑफिस है, इसमें जो गेट नॉर्थ वेस्ट के भाग में लगा हुआ है इस मेन गेट को आप नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट तक जहाँ आपको सुविधा लगे यहाँ पर आप अपना मेन गेट लिए। यहाँ पर जो आपने अपने स्टेप बनाने हैं वो आपके लोहे के एंगल के होंगे और इसके ऊपर जो पेंट करना है वो आपने स्काई ब्लू कलर का पेंट करना है और नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर से आपने अपने ऑफिस के अंदर की एंट्री करनी है। मंदिर नॉर्थ ईस्ट के भाग में बिल्कुल सही है, मंदिर में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी के साथ जो कैबिनेट ईस्ट वॉल पर बनी हुई है इस कैबिनेट को आप यहाँ से उठाकर कैबिनेट जो ईस्ट वॉल पर है उसको आपने वेस्ट की दीवार पर, वेस्ट वॉल पर लेकर आनी है और ध्यान रखना है नॉर्थ वेस्ट कोने को बिल्कुल आपने फ्री रखना है। इसमें जो वेटिंग एरिया बनाना है वो वेटिंग एरिया आपका यहाँ पर आपने अपना वेटिंग एरिया बनाना है। इसी के साथ आपको अपनी एक रिसेप्शन के लिए स्पेस बनाना है तो आपका ईस्ट की दीवार के साथ वेस्ट की ओर फेस करते हुए आप अपनी रिसेप्शन बनाएं। इसके बाद जो आपका स्टाफ का जो एरिया है वो आपका बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। ये स्टाफ हमेशा ही आपके लिए फेथफुल रहेगा। इसी के साथ जो कैबिनेट बनी हुई है साउथ ईस्ट से साउथ तक ये कैबिनेट बिल्कुल बढ़िया है,
ऐसे ही जो ऑनर का कैबिन है, इसमें जो अलमीरा ईस्ट की दीवार के साथ लगी हुई है, उस अलमीरा को साउथ की दीवार के साथ लगाना है, और इसी अलमीरा के साथ एक अलमीरा या अपनी कैबिनेट साउथ वेस्ट कॉर्नर तक बनानी है। ऑफिस की जो सिटिंग करनी है वो एज इट इज रहेगी, लेकिन थोड़ा आगे की ओर आ जाएगी। ऑनर की सिटिंग यहां आ जाएगी, इस तरीके से ऑनर टेबल और विजिटर, ये एक सिटिंग का सेटअप बन जाता है। यदि आप अपने यहाँ अपने ऑफिस में इस तरीके से अपनी सेटिंग कर लेते हैं, तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। जो व्यक्ति इस ऑफिस में बैठकर काम करेगा वो हमेशा ही खुशहाल रहेगा। जो बातें मैंने आपको बताई है, आप इन पर विचार कीजिए, गौर कीजिए। आपको लगता है कि आपके पुराने ऑफिस में जो सीटिंग है उसकी वजह से परेशानी आ रही है, जैसे मैंने आपको इस ऑफिस के अंदर सेटअप बताया, इस तरीके से करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।